अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। नादरीन, आज विंटेक एचएमआई के लेसन 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नादरीन, आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से रियल टाइम जो है उनकी मूवमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर करा सकते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर रियल टाइम जो है एक मोटर को मूव करते हुए देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मोटर इंसर्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि वो किस तरह से मूव होती है। तो आइए चलते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। होम में जाने के बाद बिट लैम्प लिया हमने, बिट लैम्प को इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और ये हमारे पास एक बिट लैम्प आ चुका है। तो नाज़रीन, ये बिट लैम्प के अंदर ऑलरेडी मोटर जो है वो सिलेक्ट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये लाइब्रेरी में किधर से आती है। इसको ओपन करेंगे, शेप में चलेंगे, पिक्चर लाइब्रेरी और ये लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जब हम सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, जिसमें हमारे पंप्स हैं और मोटर्स हैं। सपोज मैं ये पंप जो है वो ले लेता हूँ। पंप लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड टू प्रोजेक्ट करता हूँ और इसको मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास पंप आ गए, इनको भी रियल टाइम हम जो है वो मूव करवा के देख सकते हैं। उसके अलावा इस तरह की और भी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोग्राम के अंदर। ये भी कुछ पंप हैं, इनको भी हम ऐड टू प्रोजेक्ट कर लेते हैं और इसको इधर से क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमारे पास एयर ब्लोअर्स जो हैं, अप्रोक्सीमेट ये तीन चीज़ें ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। वाटर पंप्स हो गए, मोटर्स हो गई और एयर फैंस हो गए। तो ये देखें जी, ये भी मोटर है, ये ब्लोअर्स आ रहे हैं, ये ब्लोअर सेलेक्ट कर लिए, ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया और इसको इधर से क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये तीन डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले मैं एयर ब्लोअर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दिया यहाँ पे और इसको इधर से ओके किया, तो ये हमारे पास जो ब्लोअर है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आ चुका है। इसके बाद दोबारा हम एक जो बिट लैम्प है वो इंसर्ट कर लेते हैं, उसकी शेप भी ले लेते हैं, उसकी शेप ज़रा डिफरेंट ले लेंगे। इस टाइम हम पंप ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं और यहाँ पे फिर दोबारा ओके करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की आ चुके हैं। इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम सिंपली एक मोटर भी जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। दोबारा जाते हैं बिट लैम्प के अंदर। बिट लैम्प में जाने के बाद शेप में जाएंगे, शेप में जाके पिक्चर लाइब्रेरी और मोटर ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे भी इंसर्ट की थी लाइब्रेरी से। तो ये मोटर है हमारे पास और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। और ये देखें, ये मोटर भी हमारे पास आ चुकी है। तो आइए चलते हैं, इसको रियल टाइम जो है वो रन करवा के देखते हैं। ऑनलाइन सिमुलेशन की हमने। इस कंडीशन के अंदर तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑफ हैं, एयर ब्लोअर भी ऑफ है, वाटर पंप भी ऑफ है और मोटर भी हमारी ऑफ है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें, तीनों जो चीज़ें हैं हमारे पास, तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियल टाइम उनकी मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हम जो है रियल टाइम मूवमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं, पंप्स हो गए, मोटर्स हो गई, एयर ब्लोअर्स हो गए, उनकी मूवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। नादरीन, इसके अलावा हमारे पास तमाम टाइप्स की PLC, HMIs और VFDs के प्रोग्रामिंग कोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।